bullying and types of bullying when we talk about the bullying uh, we should keep this thing in our head that bullying is an ongoing and deliberate uh, misuse uh, of power in relationship through verbal physical and social behavior uh, in with intent to give or cause harm at the physical psychological or social level to another person so if we look into the definition that's mean

इसी तरह जो पावर है वो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी उस शख़्स के लिए के साथ इन रेफरेंस टू दैट पर्सन जो के बुली कर रहा है दूसरे शख्स को फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो है वो बुली कर सकता है एक वीकर चाइल्ड को इसी तरह एक जो पॉपुलर बच्चा है वो uh, बुली कर सकता है लेस uh, पॉपुलर बच्चे को इसी तरह अगर एक एथलीट है uh, स्कूल के अंदर जो बहुत uh, ज़्यादा नोन है तो वो एक ऐसे एथलीट को बुली कर सकता है जो कि लेस नोन हो ठीक तो डेलिब्रेशन और जो पावर का इम्बैलेंस है दीज आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बुलिंग लेकिन इससे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ द कॉज हार्म यानी जो बुली कर रहा है उसकी जो इंटेंशन है वो हार्म कॉज करने की है जो कि फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हो सकता है और सोशल लेवल पे भी हो सकता है यानी जो भी एक्ट जो है बुली करे करने वाला करेगा उसका कोई ना कोई हार्म जो है उस शख़्स को पहुंचेगा जो जिसको बुली किया जा रहा है आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल्स के अंदर बच्चे अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि उनको बुली किया जा रहा है और वो रोते हैं वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं टाइम उनको पंच किया जाता है उनको मारा जाता है आ, किकिंग होती है या उनके बारे में बुरी बातें फैलाई जाती हैं तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जब एक बच्चा जो कि अपने आप को वीक फील करता है इन कंपेरिजन टू अनदर चाइल्ड और अ ग्रुप ऑफ अ चाइल्ड तो उसकी वजह से जो उनको एक्सपीरियंस होता है नेगेटिविटी का फिज़िकल लेवल पे साइकोलॉजिकल लेवल पे और सोशल लेवल पे तो वो जो सारी सिचुएशन है उस प्रोसेस को बुली कहा जाता है जो बुली होती है वो इन पर्सन भी होती है और ऑनलाइन भी होती है इन परसन बुलिंग या ऑनलाइन बुलिंग की जब हम बात करते हैं फर्स्ट वी विल गो फॉर द ऑनलाइन बुलिंग तो ऑनलाइन बुलिंग में जिस तरह आपने आज कल एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी साइबर बुलिंग तो जो ये सारी जो इन परसन बुलिंग है और जो ऑनलाइन बुलिंग है ये जो है ये टाइप्स ऑफ बुलिंग के अंदर आते हैं टाइप्स ऑफ बुलिंग जो है वो दे आर फोर इन टाइप्स फिजिकल वर्बर सोशल एंड साइबर जब हम फिज़िकल बुलिंग की बात करते हैं तो दैट्स मीन कि एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को या एक बच्चा दूसरे बच्चे को किक कर सकता है पिंच कर सकता है पुश कर सकता है ये आम आमतौर पर आपने देखा होगा कि बच्चे ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी हम ब्रेक टाइम में जा रहे थे और एक ग्रुप ऑफ पीपल आया या ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आए जिन्होंने हमसे चीज़ें जो हैं वो स्नैच कर ली इसी तरह वर्बल लेवल के ऊपर बच्चे एक दूसरे को टीस करते हैं नयम कॉल करते हैं और इनप्रोप्रिएट कमेंट्स पास करते हैं तो ये वर्बल लेवल के ऊपर जैसा स्वेयरिंग करेंगे नेम कॉलिंग करेंगे किसी को बुरे नामों से पुकारेंगे तो ये जो भी है ये टाइप ऑफ बुलिंग है अब इसमें यह चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो पावर है वो इम्बैलेंस होना ज़रूरी है एक शख्स वीकर होगा और दूसरा शख्स जो है वो हायर इन पावर होगा इसी तरह अगर आप सोशल लेवल पे देखो तो बुलिंग किस तरह की जाती है जिस तरह लोगों को लोगों के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की जाती है र्यूमर स्प्रेड की जाती हैं एक दूसरे को डिफरेंट किस्म की बातें जो हैं फ्रेंड्स के दरमियान में फैलाई जाती हैं तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि दूसरे शख्स की जो गुड नेम है या बच्चे की जो फेम है उसको डीफेम करना इसी तरह साइबर बुलिंग है साइबर बुलिंग में क्या होता है जो बच्चा है उसको या तो डिफरेंट किस्म के टेक्स मैसेजेस किए जाते हैं ई की जाती हैं रूमर्स स्प्रेड की जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर उसकी पिक्चर्स वीडियोज़ वगैरह को अपलोड किया जाता है और साइबर बुलिंग जो है एक वो बहुत बड़ी कॉज बन रही है आजकल कल और टीन ऐज के अंदर आ, बच्चों के अंदर सुसाइड की तो जो साइबर बुलिंग है ये आजकल बहुत ज़्यादा जिसे कहा जा सकता है कि आ, इम, आ, आ, फैटल है या लीथल है फॉर द एडोल एज और इसके बाद अगर हम बात करें तो बुलिंग जो है वो वोवर्ड लेवल पे भी होती है और कोवर्ट लेवल पे भी होती है व्हेन आई एम सेंग कोवर्ट लेवल तो उसका मतलब ये है कि वो हिडन फॉर्म में हो रही है और जब मैं कह रही हूँ ओवर्ट लेवल तो उसका मतलब ये है कि वो चीज़ ऑब्जर्वेबल है लोग उसे देख सकते हैं इसी तरह जैसे भी हमने टाइप्स ऑफ बुलिंग में बात की कि बुलिंग फोर टाइप्स की होती है जिसमें थ्री टाइप्स जो हैं वो फिज़िकल वर्ल्ड में हो सकते हैं और जो डिजिटल वर्ल्ड है साइबर बुलिंग उसके अंदर भी वो थ्री टाइप्स आ सकती हैं अब वो आएंगी कैसे वी विल सी दैट जिस तरह अगर फिज़िकल वर्ल्ड में कोई कोवर्ट लेवल पे हिडन लेवल पे बुली कर रहा है तो वो क्या करेगा कि वो जो वर्बल बुलिंक है उसे वो हिडन लेवल पे करेगा यानी ये क्लोज कमरे में करेगा या ऐसी जगह पे करेगा जहाँ कोई और बंदा मौजूद ना हो इसी तरह फिजिकल लेवल पे क्या करेगा बिल्कुल ऐसे ही करेगा कि अगर बच्चे को मार रहा है या हिट कर रहा है तो हिडन फॉर्म में करेगा जहाँ पर कोई ऑब्जर्व ना कर सके इसी तरह अगर इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है किसी की पर्सनल तो वो ऐसे करेगा कि किसी को पता ना चल सके कि ऐट द बैक ऑफ द एज वो शख्स है इसी तरह जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें जब हम साइबर बुलिंग की बात करते हैं और उसमें हम बात करते हैं कि बुलिंग जो है वो कोवर्ट लेवल पे हो रही है तो वो कैसे होगी कि जो ईमेल मेल हैं जो टेक्स्ट हैं वो सारी चीज़ें हिडन फॉर्म में इनोनसली वो शख्स पोस्ट करेगा इसी तरह जो फ़िज़िकल लेवल पे है अगर किसी का वेब पेज है और उसको डीफेम करना है तो वो भी इनोनमसली करेगा इसी तरह अगर किसी के बारे में र्यूमर स्प्रेड करनी है तो वो भी इनोनमस करेगा तो ये सारा कुछ होगा कोवर्ट लेवल पर एंड वेन वी टॉक अबाउट दर्ल्ड लेवल तो वर्ल्ड लेवल पर क्या होगा कि जो भी वर्बल लेवल पर जितने भी रिमार्क्स हैं जितने भी थ्रेट्स हैं जितनी भी नेम कॉलिंग है वो ओपनली होगा दूसरे लोगों के प्रेजेंस में होगा जहाँ पर आप उस शख्स को व्यू भी कर सकते हैं कि कौन सा शख्स आपके बारे में वो बात कर रहा है इसी तरह फिजिकल अगर होल्डिंग है स्नेचिंग है हिटिंग uh, है तो वो भी आपके सामने आकर वो शख्स आपके साथ करेगा यानी आप उसको भी देख सकते हो और दूसरे लोग भी उसको देख सकते हैं तो दैट्स मीन कि दैट बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्वेबल आर एट दर्ट लव इसी तरह अगर सोशल रिलेशनशिप्स में वो आपको डीफेम करना चाह रहा है तो वो आपको ओपनली ग्रुप मेंबर्स को कहेगा कि इस बच्चे को जिस तरह कहा जाता है कि हमने नहीं खिलाना या इस बच्चे के साथ सोशलाइज नहीं करना तो ये इस तरह ऑब्जर्वेबल होता है इसी तरह जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें अगर कोई बर्बल लेवल पे बुलिंग करेगा तो जो पोस्टिंग नेगेटिव फोटोज़ या कमेंट्स ऑन वेबसाइट्स हैं वो विद नेम करेगा वो एनोनिमस नहीं होंगे वेब पेज और प्रोफाइल को अगर वो किसी किस्म का डिफेम करना चाहेगा तो वो भी विद ओन नेम होगा इसी तरह अगर वो एक्सक्लूजन करना चाहेगा उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ से तो वो भी विद नेम होगा उसमें कोई चीज़ हेडन नहीं होगी एनोनमस नहीं होगी थैंक यू